नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको मुरमुरा चटपटा खील के बारे में बताएंगे, ये कैसी बनती है। ये तरीका बहुत ही आसान है, इसे आप अपने घर पर भी बना सकते हैं और इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो देखते हैं हम कैसे बनती है चटपटा मुरमुरा खील। ये हमने मुरमुरा खीर लेनी है, मुरमुरा खील। ये पीनट है, बादाम, कड़ी पत्ता, चने, ये सब लेने हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे बनाएंगे। हमने इसमें तेल डाल लेना है, जो भी हम घर में यूज करते हैं थोक लगाने में, और जब तक तेल में धुआं नहीं उड़ने लगता तब तक इसको गर्म करना है। अब हम इसमें पीनट डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। इसको हल्का हल्का फ्राई करना है मीडियम आंच में, और जब तक करें इनको तब तक फ्राई करें जब तक इसका हल्का हल्का रंग गाढ़ा होने लग जाए, तब तक इसको हम फ्राई करते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका पीनट का रंग चेंज होने लग गया है थोड़ा थोड़ा। इसको फ्राई करते रहें जब तक इसका रंग चेंज नहीं हो जाता, तब तक इसको फ्राई करते रहें। इसका रंग देखो चेंज हो गया है, अब इसको निकाल लेंगे हम। अब इसमें हम बादाम को फ्राई करेंगे, हल्की आंच में करेंगे, नहीं तो ये जल दे सकते हैं। इनको हल्की हल्की आंच में फ्राई करना है। तो गाइस, जब तक ये बादाम फ्राई होते हैं तब तक आप लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। बादाम फ्राई करने के बाद अब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे, ताकि इसमें सुगंध अच्छी आए। कड़ी पत्ता डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और आप देख सकते हैं कड़ी पत्ता डालने से आपका कैसा, आप अपनी इच्छा अनुसार भी इसमें डाल सकते हैं कड़ी पत्ता। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं, वरना इसमें। अब हम धीमी आंच में भुने हुए चनों को फिर से फ्राई करेंगे, और इनको 2 या 3 मिनट के लिए फ्राई करते रहें। जब तक इनका हल्का हल्का रंग चेंज ना हो जाए तब तक इसको फ्राई करते रहें, ज़्यादा फ्राई करने से जल जाएंगे। अब हमने मुरमुरा खील लेनी है, और कढ़ाई में थोड़ा तेल डालकर उसमें हल्दी नमक इच्छानुसार डालकर इसको फ्राई करें, और 2 मिनट के लिए इसको मुरमुरा खील को भूने, ताकि इसका स्वाद जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आए। तो इसको 2 मिनट के लिए भूनते रहें, इसका थोड़ा थोड़ा हल्का रंग चेंज हो जाएगा जब तक इसको भूनते रहें। आप इसमें इच्छा अनुसार नमक जो भी मसाले होते हैं आप से भी डाल सकते हैं इच्छा अनुसार। अब हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। अब इसमें हम नमकीन को मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, ताकि जो मसाले हैं हमारे वो अच्छी तरह से मिल जाएं। इसको अच्छी तरह से मिलाना है। आप देख सकते हैं कि इसकी आवाज़ कैसे आ रही है,
टकटकी आवाज़ आ रही है और खाने में टेस्ट कितनी अच्छी होगी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी है ये। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।